हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। जब भी हम लोग फ्रूटी लेते हैं, छोटा पाउच हो या बोतल हो, तो हमारे मन में एक सवाल रहता है कि हम लोग अगर 50 रुपये की बोतल लेते हैं या 50 रुपये की पाउच लेते हैं छोटी, तो किस में ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये सवाल बचपन से हमारे मन में, काफ़ी सारे लोगों के मन में चलता रहता है। मैं आज इसीलिए लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक बोतल 50 रुपये की और छोटे छोटे पाउच लाया हूँ 50 रुपये की। तो इसको एक बर्तन में आज हम लोग खाली करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे किसमें ज़्यादा जूस निकलता है और किसको लेने में फ़ायदा है और किसको लेने में फ़ायदा नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको मैं छोटे वाले पाउच को, 5 पाउच हैं, इसको पहले मैं ग्लास में खाली कर लेता हूँ। ग्लास दिखा दूँ आप लोगों को, खाली है। इसमें 5 पाउच खाली करके एक पूरा ग्लास भर गया और ये 5ों जो बॉक्स हैं ये खाली हो गए। तो खाली बॉक्स को साइड में रख देते हैं और ये पूरा एक ग्लास जूस निकला इसमें 5 पाउच में। अब बारी है बॉटल की। चलिए बॉटल को खोलते हैं। बोतल जल्दी खाली हो जाएगा, पाँच मिनट का टाइम लग गया ज़्यादा। भाई देख सकते हो, एक बार एक ग्लास पूरा फुल हो गया है। इसको पहले इसमें खाली कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। इसमें अभी भी लगभग 2 पाउच के इतना जूस बचा हुआ है। ये मैंने एक ग्लास खाली कर लिया बोतल में से, उसके बाद बोतल से दोबारा इसमें डाल दिया। तो ये लगभग देख सकते हो 1/3 यहाँ तक दोबारा फिल हो गया। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि बोतल में जो है 50 रुपये का इसमें भी था और 50 रुपये के 5 पाउच थे, तो बोतल में ज़्यादा जूस निकला छोटे पाउच से। तो मेरे मन में जो डाउट था वो डाउट आज क्लियर हो गया, और आप लोगों के मन में जो डाउट होगा तो वो भी आज क्लियर हो गया। तो गाइस, आज की वीडियो हो गई कंप्लीट। तो जो भी हमारे मन में डाउट था वो क्लियर हो चुका है। आई थिंक आप सभी लोगों के मन में जो भी डाउट रहा होगा, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। तो गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, पसीना आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है। तो गाइस, हम लोग भी चल रहे हैं अभी फ्रूटी पीने, एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया कंप्लीट। तो गाइस, इस गर्मी में आप लोग भी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।